alaikum everyone. I'm Afnur Shawal, first year MBBS student from Jinnah Medical University Lahore. And in this video, I'm gonna tell you that how you can prepare effectively for the upcoming self-assessment test by step. Or uh, in this video, especially, I'm going guide you. Or uh, I just wanna say that if you if you like my videos, then please share it with your fellows because it might help someone out there. एंड प्लीज प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल थैंक यू सो मच ओके सो लेट स्टार्ट द वीडियो तो वीडियो में सबसे पहले जो हमारा बायो का पोर्शन है इसमें वी हैव फोर चैप्टर्स एज किन बाय द स्टेप की जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तो जो फोर चैप्टर्स है वो हमारी सेकेंड uh, ईयर की जो बुक है बायो की वहां से आए हैं तो प्लीज इग्नोर द हस्ता हालत ऑफ माई बुक्स तो अच्छा सबसे पहले हम बायो uh, का जो है सबसे uh, जो चैप्टर्स हैं वो है होम्योस्टेसिस uh, सपोर्ट एंड मूवमेंट और उसके बाद हमारा जो दूसरा तीसरा चैप्टर है डेट इज डेट इज कोआर्डिनेशन एंड कंट्रोल या जो आपका uh, चैप्टर है ब्रेन वाला चैप्टर और रिप्रोडक्शन ये चार चैप्टर्स हैं हमारे तो सिलेबस आपके uh, शो हो रहा होगा ऊपर uh, स्क्रीन पे जो होम्योस्टेज है अच्छा ये जो सारा सिलेबस है ना ये आ, स्टेप ने कहा था कि ये पीएमसी टॉपिक्स के अकॉर्डिंग होगा तो जो पीएमसी का जो रिवाइज सिलेबस था ना जो फाइनल सिलेबस आया था ये उसके अकॉर्डिंग है तो मैं आपको उसमें बता दूंगी कि आपने क्या क्या करना है उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो इट इज़ वेरी इट वुड डेफिनेटली बी हेल्पफुल फॉर द फ्रेश स्टूडेंट्स जो सेकेंड ईयर में है अभी और रिपीटर्स uh, को तो आई थिंक पहले काफी हद हाँ तक पता होगा कि कैसे करना है तो लेट स्टार्ट कि होम्योस्टेसिस जो है हमारा इसमें जो हमारे उन्होंने टॉपिक्स दिए हैं दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस तो यहाँ से अगर हम देखना स्टार्ट करें तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ वाला आपका जो फर्स्ट पेज uh, है आपकी बुक का यहाँ से आपने ये सारा पढ़ना है और ये साइड बॉक्स जो कि यहाँ पे मेरा uh, फट चुका है लेकिन आपकी बुक में आपने ये वाला भी पढ़ना है और यहाँ पर जो डेफिनेशन है ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन थर्मो रेगुलेशन इसको भी करना है और नाउ लेट्स मूविंग नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखें तो ये वाला जो टॉपिक है एंड दिस डायग्राम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यहां से आपने रिसेप्टर कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर वाला जो है इनको इनको इनका कॉन्सेप्ट आपको पत, अच्छी तरह आना चाहिए और इसके अलावा फीडबैक मैकेनिज्म बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव ये भी आपको पता होना चाहिए और उसके अलावा ये जो डायग्राम है इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा एक्स्ट्रा सेलर एनवायरमेंट जो है वहाँ पर Uh, कौन कितनी रेंज है और इंट्रा में uh, कितनी रेंज है चेंज कितनी रेंज तक आता है और एक्सटर्नल एनवायरमेंट में इंटरनल एनवायरनमेंट में ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए उसके अलावा ये वाला जो पेच uh, uh, ये सब है ये uh, जो फाइनल रिवाइज लेवल्स के अकॉर्डिंग आपने नहीं करना सो यू कैन सिंपली स्किप इट अब नेक्स्ट पेज अब यहां पर हम आएंगे तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स क्योंकि जो नेक्स्ट हेडिंग पे दिया है वो है वेरियस नाइट्रोजनस कंपाउंड्स एक्सक्रीटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन सिलेबस के अकॉर्डिंग तो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स वाला ये वाला आपने करना है यहाँ से ये सारा ये वाला और ये आपने बहुत ध्यान से करना है कि लोअर क्वांटिटीज में लोअर क्वांटिटीज में कौन सा कंपाउंड एक्सक्रीट हो रहा है हायर क्वांटिटीज में कौन सा हो रहा है वेरी लो में कौन सा हो रहा है तो ये आपने इनको बहुत अच्छी तरह याद करना है और हेयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड ये भी आपको आना चाहिए उसके अलावा नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू तो हैबिटेट ये वाला भी आप पढ़ लें यहां तक स्पेशली जो uh, हमारा यूरिया साइकिल है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर उसके अलावा जो ये वाला नेक्स्ट है हाइड्राप्लेन एरिया और अर्थफॉर्म ये वाला आपने सारा कर देना ये पी के रिवाइज सिलेबस में नहीं था और कॉकरोच वाला भी नहीं था उसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट है इज सिस्टम ऑफ ह्यूमन तो इन इन वर्ड से आप स्टार्ट कर लें ये वाला भी पढ़ लें और एक्सक्रूशन इन ह्यूमन यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं कि मेटाबॉलिज्म ऑफ इमानो एसिड से क्या प्रोड्यूस होता है और मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह से क्या प्रोड्यूस होता है ये वाले और बिलीरो का आपको पता होना चाहिए और उसके अलावा फिर यहाँ पर एक्सक्रर्गन क्योंकि सारा एक्सक्रेशन इन ह्यूमन के अंदर ही सारा आ रहा है लीवर का ये वाला टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से बहुत से एमसीक्यूज बन जाते हैं और उसके बाद हम अगर यहां से स्टार्ट करें देखें तो यहाँ पर अब यूरेनरी सिस्टम ये वाला जो है आप, आपको बहुत अच्छी इनकी सिक्वेंस याद होनी चाहिए किडनीस के बाद यूरेटर में जाता है यूरन यूरेटर्स के बाद यूरेट्रा में जाता है यूट्रा के बाद हमारा सॉरी uh, किडनीज uh, के बाद यूरेटर यूरेटर्स जुरेटर, uh, के बाद यूरेनरी ब्लेडर और ब्लेडर के बाद यूरेथ्रा ये आपने इनके सीक्वेंस याद रखनी है अच्छी तरह से और ये सारी आपको इसके अलावा जो भी जहां पे, जहाँ पे जितने भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो आपने uh, उसी तरह इसको एज इज डिस्ट्रवाइज करना है और उसके बाद नेफ्रॉन है नेफ्रॉन में नेफ्रॉन का भी पूरा टॉपिक है डायग्राम वगैरह ये आप सारा देख लेंगे रेनल आर्ट्री और रेनल वेन इस ये क्या चीज लेकर जा रहे हैं किस तरह का ब्लड लड लेकर जा रहे हैं उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा तो ये सारा आपने टॉपिक को अच्छी तरह रीडिंग करनी है और उसके बाद इसको समझना है और जो चीज सम, आपको समझ नहीं आएगी वो आपने किसी टीचर से या किसी फ्रेंड से पूछकर उसको ठीक से कन्फर्म करना है और फिर फंक्शन ऑफ किडनी में फिल्ट्रेशन रीअबॉर्बशन और सिक्रीशन है इसको भी आपने अच्छी तरह से समझना है और ये इम्पॉर्टेंट है यहां से बहुत सारे एमसीट्यूज आ जाते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ एक्सक्लिव प्रोडक्ट जो है ये वाला जो टॉपिक है ये भी इसी का पार्ट है इसमें नफ्रॉन का स्ट्रक्चर और आपको बताना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म हो रहा है काउंटर करंट मल्टीप्लायर वाला और मतलब सारा आपको अच्छी तरह आना चाहिए जो एमसीक्यू है ओवर 99.5 नाइन पॉइंट परसेंट ये स्टेप के टेस्ट नक्सर आता था कि नाइनटी नाइन पॉइंट फाइव परसेंट या ओवर नाइन पॉइंट फाइव ने याद रखना कि ओवर जरूर आएगा साथ और यहां पर फिर जो कुछ हार्मोन्स हैं एल्डोस्टिरोन और हार्मोन उसी का दूसरा नाम है ये भी आपको अच्छी तरह आना चाहिए ये साइड बॉक्स आपने करना है और ये आ, सारा जो है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन में ही आ रहा है तो किडनी एज एन ऑस्मो रेगुलेट्री ऑर्गन किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स ये वाला भी आपने सारा करना है लीधोट्रिप्स का और एक जो बहुत दफा आता है वह है किडनी स्टोन आर फॉर्मड इन किडनी जो किडनी होते हैं सिर्फ किडनीज में फॉर्म होते हैं गाल ब्लेट वगैरह में फॉर्म नहीं होते हैं फिर रीनल फेलियर और किडनी ट्रांसप्लांट ये वाला यहां पर टू टाइप्स ऑफ डायलिसिस हैं इसमें ये आपने याद रखना है कि जो घर पे हम परफॉर्म कर सकते हैं डेट इज पेरिटोनियल डायलिसिस ये लास्ट टाइम एम सी क्या था कि विच ऑफ द विच द टाइप ऑफ डायलिसिस कैन बी परफॉर्म्ड एट होम तो वो आपने याद रखना है कि वो पेरिटोनियल डायलिसिस था हीमोडायलिसिस uh, घर पे परफॉर्म नहीं कर सकते हैं और ये भी याद रखना है कि जब रीनल फेलियर और डायलिसिस भी uh, काम ना करे तो फिर जो लास्ट हमारे पास ट्रीटमेंट रहता है डेट इज द किडनी ट्रांसप्लांट तो ओके okay. नेक्स्ट जो पीएमसी के सिलेबस में दिया गया है डेट इज थर्मोरेगुलेशन इन ह्यूमन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी यहाँ तक खत्म हो रहा है उसके बाद ये थर्मोरेगुलेशन वाला इन प्लांट्स वाला हम स्किप कर रहे हैं थर्मोरेगुलेशन इन ह्यूम अच्छा यहां पर ये वाला जो है ना होम्योथर्म्स और नेक्स्ट पे एंडोथर्म्स हाइड्रोथर्म्स एक्टोथर्म ये वाला ये सारा जो है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट आप इसका ब्रीफली अगर आपने एफ में किया तो आपको ये बताना चाहिए कि इनके डेफिनेशन क्या हैं इतनी डिटेल में आप चाहे ना चाहे और हमारा जो मेन टॉपिक है जो पीएमसी के सिलेबस में के थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स यानी कि ह्यूमन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसमें रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज करनी है आपने और आपको अच्छी तरह आना चाहिए सारा यहाँ से कि शिवरिंग और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में क्या है इसके डेफिनेशन और ये किस कंडीशन में होता है और किस में नहीं होता एंड दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट इसमें ये वाले जो ब्लॉक्स हैं इसको आपने अच्छी तरह पढ़ना है कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ब्लड वेसल्स डायरेट करेंगी या फिर कंस्ट्रक्ट करेंगी तो ये वाला आपने ध्यान से करना है और इसके अलावा कोल्ड टेम्परेचर और वार्म टेम्परेचर में जितना भी सब कुछ है आपने अच्छी तरह पढ़ना है यहां से एमसीक्यूज बन जाते हैं और उसी तरह इफ यहाँ से भी इट्स लाइक थर्मोस्टेट फंक्शन ये वाला भी आपने सारा करना है और पायरेक्सिया जो है जिसको फीवर बुहार होता है इस, इसको कहते हैं ये वाला भी आपने याद रखना है कि अबव द नॉर्मल पॉइंट ऑफ थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर टेम्परेचर हो जाता है तो तब भी है तो ये था चैप्टर नंबर वन होम्योस्टेसिस में से नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है चैप्टर है, है सपोर्ट एंड मूवमेंट सपोर्ट एंड मूवमेंट के जो टॉपिक्स जो पीएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो उसमें आपने पूरा चैप्टर नहीं करना ठीक है तो फ्रेश स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपने जो पीएमसी के सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हैं बस वही करने हैं स्टेप के टेस्ट के लिए क्योंकि उसमें मैंशन है कि आप पीएमसी टॉपिक्स ही करेंगे तो ये वाला जो चैप्टर है ये सारा हम यहाँ से सारा स्किप करें इसको स्किप करने के बाद इस पेज नंबर थर्टी से करना है और मसल्स के टॉपिक में ये आपने टेबल बहुत अच्छी तरह करना है और उसके बाद स्मूथ मसल्स मसल्स कार्डियक स्केलेटल मसल्स और इसका स्केलेटल मसल फाइबर्स यहाँ पर जो बहुत सी वैल्यूज दी हुई हैं ये जो डायमी दिए हुए हैं ये आपने याद रखना कि कौन सी वैल्यू माइक्रोमीटर में है कौन कौनसी नैनोमीटर में है और ये आपने याद रखना है कि uh, किस में कौन सी चीज आगे फर्दर क्या डिवाइड होके बना रही है और स्ट्रक्चर ऑफ माओ में अपने थिक फिलामेंट थिन फिल्मेंट तो याद रखना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लगता था होप कि आपको भी आसान लगता होगा स्लाइडिंग मॉडल जो है ये भी इंक्लूडेड है इसी में इसमें हमने एक बात याद रखनी है कि जब स्लाइडिंग पिलामेंट मॉडल के अकॉर्डिंग जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उसमें जो ए बैंड होता है हमारा वो अनचेंज रहता है बाकी जो चेंजेस आते हैं वो यहां पे जैसे लिखा हुआ है कि आई बैंड शॉर्ट हो जाता है एड जोन डिसअपियर हो जाता है लेकिन जो ए बैंड है डेट रिमेन्स अनचेंज उसमें कोई चेंज नहीं आता अन अन एल्टर्ड रहता है ठीक है तो ये डायग्राम भी आप अच्छी तरह समझ लें ताकि आपको आसानी होगी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और ये वाला हाउ कंट्रोल्ड? इसमें भी आपने पढ़ना है यहाँ से इंटरेक्शन बाय कैल्शियम आयंस ये वाला भी पढ़ना है सार्कोप्लासम में पढ़ना है कि इसमें क्या -क्या हैं जैसे कि इट इज पैटर्न और ऑल वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी फॉर मसल कंट्रेक्शन लास्ट टाइम एम सी क्या था कि क्रेटिन फॉस्फेट इस कौन से क्रेटिन फॉस्फेट ताकि जो सेकेंडरी सोर्स होता है यहां पे एनर्जी का वो क्रेटिन फॉस्फेट होता है प्राइमरी सोर्स ए टी पी और सेकेंडरी सोर्स करेटिन फॉस्फेट और यहां पर आपने याद रखना वन और फाइव ऑफ द लैक्टिकली एंड एंडर्जी इज यूज टू ब्रेक द रिमेनिंग फोर और फाइव ऑफ लैक्टिकू ग्लोकोज एंड दिस बॉक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यहां से मसल एट्राफी का आ सकता है और इसमें कुछ क्रेमिंग वर्ड्स हैं जो आपने उसको एज इट इज रट्टा मार लेना है ताकि जब वो लाइन आए तो आप फौरन से तो उसका आंसर कर सकें और फिर नेक्स्ट पेज पर पे यहां पर ये यह जो um, मसल डिसऑर्डर्स हैं ये आप एक दफ़ा रीड कर लें टेटनी और टैटनस इनमें आपने डिफ्रेंश करना है कि ये वाला मसल डिसऑर्डर है और ये वाला जो है ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है और इसमें कौन सा क्लोस्ट्रेडियम uh, टेटना ये बैक्टीरियम होता है ये इस डिजीज को कॉज करता है और फिर अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स इसमें इंसर्शन औरजन बैली कनेक्टिव टिश्यू लिगामेंट्स टेंडन्स ये आपने याद रखना है कि लिगामेंट्स बोन्स टू बोन्स अटैच करते हैं टेंडन्स बोन टू मसल अटैच करते हैं मोवमेंट ऑफ बोन्स है इसमें सारा एंटागोनिस्टिक एक्शन और सिक्स सिक्स फिफ्टी मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी आप किसी भी प्रोविंस से हैं आपकी बुक में जो इन्फॉर्मेशन लिखी आप उसको फॉलो करिए पंजाब से हैं तो पीटीबी को फॉलो करें सिंध से हैं तो सिंध की इंफॉर्मेशन को फॉलो करो और के पी के से हैं तो, से हैं से हैं तो के पी के, के बुक में जो इन्फॉमेसन लिखा है उसको फॉलो करो ठीक है और वैसे ऐसे कंफ्यूज एमसीक्यू नहीं आते क्योंकि ये वाला जो है ये सिंध की बुक में सिक्स हंड्रेड मसल्स लिखा हुआ है पंजाब में सिक्स फिफ्टी लिखा हुआ है तो मेरे ख्याल से ऐसा एमसीक्यू नहीं आएगा तो और इसके बाद ये जो डिफरेंट मसल्स और बोन्स का यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन लिखी है वी आपने करनी है और ये जो एंटागोनिस्टिक एक्शन साइड बॉक्सेस आर वेरी एवर मिस द साइड बॉक्सेस वरना आप अपना नुकसान खुद करेंगे तो ये वाला सिर्फ इतना ये जो तीन चार पेजेस है यहाँ से पेज नंबर थर्टी सेवन के लास्ट um, से स्टार्ट करके हम पेज नंबर फोर्टी थ्री के यहाँ तक ये वाला सपोर्टेड मूवमेंट करना है बाकी पूरा चैप्टर आपने नहीं करना ठीक है उसके बाद जो हमारा चैप्टर है नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन इसको कम्युनिकेशन का चैप्टर भी कहते हैं तो इस चैप्टर में ये वाला शुरू से आपने स्किप करना है प्लांट हार्मोन्स नहीं इंक्लूडेड यूएचएस के सिलेबस में थे लेकिन पीएमसी के सिलेबस में नहीं थे तो अब कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स यहां से आप स्टार्ट करेंगे और ये सारी इन्फॉर्मेशन मतलब एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट हियर सो यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी लाइन केयरफुली Uh, ताकि जो बायो का uh, आएगा जो सारा ऑलमोस्ट नाइन्टी फाइव परसेंट आपकी बुक में से ही आएगा तो आप बुक की लाइंस को अच्छी तरह पढ़ो और uh, इसमें थोड़े बहुत कंफ्यूजन कर देते हैं वो दो तीन ऑप्शंस आप इसमें कंफ्यूजिंग लगते हैं इसलिए आप इसको अच्छी तरह रीड करोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा और अगेन सही साइड बॉक्सेस को इग्नोर नहीं करना साइड बॉक्सेस को पढ़ना है यहां पर जो एग्जाम्पल्स हुई हैं टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स की उसको अच्छी तरह करना है और हियर वी हैव द सेंसरी देंसैप्टर्स और यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है ट्वेंटी सेवन टाइम्स मोर अबेंडेंट टेन टाइम्स मोर अबेंडेंट और ये डायग्राम भी आप देख लीजिएगा ये वाला साइड बॉक्स भी आपने करना है डोंट इग्नोर एनी थिंग और ये जो डायग्राम्स हैं ये आपको डायग्राम बना के दे देते हैं या आपको इस डायग्राम से पूछ लिया जाता है कि किसकी किस मसल uh, किस टाइप ऑफ न्यूरो की ऐसी डायग्राम होती है किसकी ऐसी होती है सो यू शुड डू दिस ऑल दिस जो फुट नोट्स हैं दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ से स्टेप के uh, टेस्ट में बहुत से एम सी क्यूज बन जाते हैं यहाँ पे ठीक है तो अपने टाइप्स ऑफ न्यूरो न्यूरोग्लायल सेल्स और नर्व सेल्स को करना है यहाँ पर जो नर्व सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको करना है और हीयर इज द ये सारा आपने इसी तरह पढ़ना है रिफ्लेक्स आर्क वाला ये जो है ना सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारा आपका इंक्लूडेड है अंदर और ये नर्व इम्पल्स है इसमें ये वाले जितने भी पॉइंट्स हैं सारे इसको एज इट इज करना है इसमें एक जो निमोनिक मैं आप, आपके साथ शेयर करती हूँ कि द निमोनिक नो क्या यू नो मोबाइल uh, होता है नोकिया का तो इसमें जो अनोकिया का आपने याद रखना है कि सोडियम आयन्स होते हैं वो आउटवर्ट जाते हैं पोटाशियम आयन्स इनवर्ड जाते हैं और ए टी पीज यूज तो नोकिया एन फॉर सोडियम ओ फॉर आउटसाइड के फॉर पोटासियम आयन आई फॉर इन साइड एंड ए फॉर ए टीपी सो दीज आर द लिटल निमोनिक्स और ये या आपने याद रखना है कि थ्री सोडियम आयन्स एंड टू पोटाशियम आयन्स कौन बाहर जा रहा है कौन अंदर आ रहा है डायग्राम को देखें यहां पर जो हमारा वोल्टेज है माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट यह आपने याद रखना है और फिर इन, इनिशिएशन ऑफ नोविंग पल्स वाला टॉपिक भी है इसको एज इट इज करना है और ये वाला जो है ये सारा ग्राफ जो है डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके फुट नोट पढ़े यहां पर जो टाइम लिखा है टू टू थ्री मिली सेकेंड इसको करना है पैसेज ऑफ नोविंग पल्स मेमरिन पोटेंशियल ये भी ऐसे, ऐसे करना है इसमें जो वोल्टेज है प्लस फिफ्टी मिली वोल्ट इसको भी आपने एज इट इज याद करना है और साइड बॉक्स है वन ट्वेंटी मीटर्स पर सेकेंड जो स्पीड है नर्व इम्पल्स की वो भी करनी है और साइन ऐप्स आपने याद करना है इसमें जो एग्जांपल्स दी हैं और जो एक बताएगा कि इसी टाइलिकोलिन जो है डेट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द पेरिफेरल नर्वस नर्वस सिस्टम तो यह या आपने याद करना है डायग्राम याद करनी है एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वन यू कैन स्किप या ये वाला पेज आप स्किप कर सकते हैं ये वाला सारा यहाँ से आप इसको देख सकते हैं ये एक एक्चुअली जो नेक्स्ट पेज में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लिखा है उसी का उसी को बताया हुआ है अच्छा सिलेबस में अ, अलग से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मेंशन नहीं है लेकिन इफ यू आर वॉन्ट टू बी ऑन द सेफ साइड तो आप इसको भी रीड करें अच्छी तरह ब्रेन के फंक्शंस एट लीस्ट आपको मेन मेन फंक्शंस हर पार्ट के आने चाहिए तो ब्रेन और स्पाइनल कॉड भी आपने करना है वैसे पी एम सी में के सिलेबस में डायरेक्टली मैंशन नहीं है बट यू कैन डू इट अटोनमिक नर्वस सिस्टम है नर्वस डिजॉर्डर आर नॉट इंक्लूडेड और ये आप ना करें उसके बाद है केमिकल कोऑर्डिनेशन कोडिनेशन ये दो दे जस्ट कीप आस्किंग अगेन एंड अगेन के हार्मोन सारे करने हैं यस यू हैव टू डू ऑल द हारमोन जो भी नेक्स्ट पेजेस पे जितने भी हार्मोन्स हैं वो सारे आपने एज इट इज याद करने हैं और पिचोटरी ग्लैंड के और थारॉयड ग्लैंड के पैराथायरॉयड ग्लैंड के एड्रीनल ग्लैंड के और गट के गुनाट्स के ये सारे आपने एज इट इज हार्मोन्स को याद करना है आज एमसीक्यूज बहुत मुश्किल नहीं आएंगे मेन मेन एमसीक्यू ही आएंगे लेकिन आप इस तरह इसको बेसिक रीड कर लें और कॉन्सेप्ट जरूर अपना अच्छा बनाएं कि कौन सा हार्मोन किसके एंटागोनिस्टिक एक्ट कर रहा है कौन किसके साथ मिलके काम कर रहा है सो इट विल बी इजियर फॉर यू एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज फीडबैक मैकेनिज्म फीडबैक मैकेनिज्म हमें बस थारॉइड ग्लैंड के जो हार्मोन है उसकी एग्जाम्पल ये वाला सारा आपने टेबल करना है एंड हियर इट एंड तो इसके बाद ये चैप्टर आपने नहीं करना ये इतना ही इसमें और नेक्स्ट चैप्टर इज रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का जो पीएमसी का जो फाइनल सिलेबस आता है रिवाइज वाला सिलेबस उसमें उसमें हमारे पास सिर्फ दो टॉपिक्स से मैंस्रोल साइकिल और एड्स तो लेकिन उससे पहले हमने यूएचएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ा था तो उस हिसाब से आप यहाँ से स्टार्ट करें रीडिंग इसकी अच्छी तरह कर लें बेशक इंक्लूडेड uh, इसका मतलब डायरेक्टली मैंशन नहीं है लेकिन इसमें से एमसीक्यू जो है वो आज आ सकते हैं तो टू बी ऑन द सेफ साइड यू मस्ट it वैसे जो मेन टॉपिक है वो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल से स्टार्ट हो रहा है इसमें जो साइकिल है आपने याद रखना कि कौन सा हार्मोन पहले आ रहा है कौन किसको एक्टिवेट कर रहा है किसको इनहेबिट है और ये साइड बॉक्स में ऑस्ट्रे साइकिल जो कि नॉन ह्यूमन फीमेल्स में होता है मैमल्स में बर्ड्स वगैरह में ये वाला आपने करना है और डायग्राम इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट अ वाले डायग्राम ये वाले डायग्राम ही आपने याद रखना कि कौन सी लेयर अंदर है कौन सी बाहर है Uh, इस तरह से इसको याद रखना है और जो बर्थ वाला टॉपिक एज इट इज तो नहीं है लेकिन इफ यू गिव इट अ रीड सो यू कैन की यहाँ पे कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं लेकिन ये वाला uh, जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल ये हमारा इस डायग्राम के फुट नोट्स पे आके खत्म हो रहा है और जो नेक्स्ट टॉपिक है, है एड्स अच्छा पहले ये वाले जो थे ना डिजीजेस एस ये डी सी भी इंक्लूडेड थे लेकिन जो फाइनल सिलेबस में ये सारे निकल गए थे इंक्लूडेड नहीं थे सिर्फ एड्स जो था ये इंक्लूडेड था तो एड्स यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आप इसके लिए करें ये कि आपकी जो फर्स्ट ईयर की बुक है फर्स्ट ईयर की जो बुक है चैप्टर नंबर फाइव है हमारा वायरसेस वाला चैप्टर उसमें जो एड्स वाला ये पूरा टॉपिक है ये आपने वहां से करना है ये एच आई वी वायरस के डायग्राम भी है और ये जो ये वाला जो सारे स्टेप्स हैं यहाँ पे एच आई वायरस कैसे इन्फेक्ट करता है क्योंकि एड्स इज कॉज बाय एच आई वी वायरस तो हमें उसी को सारा पढ़ना है तो ये आप यहां से पढ़ लेंगे तो आपका ये टॉपिक भी इन क्लियर हो जाएगा तो डेट तो वॉज ऑल फॉर बायोलॉजी और इसके अलावा आपको मैं ये कहूंगी कि, कि इसके जो एमसीक्यूज हैं वो आप किब्स की प्रैक्टिस बुक से चाहे ना प्रैक्टिस करें सिर्फ इफ यू वॉन्ट टू स्कोर वेल इन स्टेप स्टेप कट जो टेस्ट है उसमें क्योंकि जो स्टेप के टेस्ट में उसमें बहुत से एमसीक्यूस पास पेपर में से आएंगे जो मैंने आपको पहले बता था कि नम्स का और नेशनल एम डी कार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी का जो हुआ था उसमें से कुछ एमसीक्यूस आ सकते हैं और उसके अलावा जो स्टेप की अपनी प्रैक्टिस बुक है ना Uh, उसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दे देती हूँ तो वहां से भी आप कर लें साथ में तो वहां से भी उसमें से हर चैप्टर वाइज आप एम प्रैक्टिस कर सकते हैं इफ़ यू हैव इनफ टाइम तो वहां से आप करें तो इनशाला आपका जो बायोलॉजी पोर्शन है इसमें आपके फोर्टी में से फोर्टी एम आएंगे और फेडरल में से शायद ही कोई एमसीक्यू रिपीट हो बट पंजाब बुक में से ही ज़्यादा एम आएंगे सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हाफिज़